कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और डर करके कभी नौका पार नहीं होती, डर करके कभी नौका पार नहीं होती। इन ऊर्जावान पंक्तियों के साथ हम आज इस इंटरव्यू को प्रारंभ करते हैं। मैं बताना चाहता हूं, आज हम यहां मौजूद हैं लंच विद डायरेक्टर सर 5.0 में। जी हां, लंच विद डायरेक्टर सर 5.0 के विजेताओं के साथ आज हम मंच साझा कर रहे हैं, और इस वीडियो के माध्यम से हम उन टॉपर्स के साथ आपको मुखातिब कराने का प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जिन्होंने लंच विद डायरेक्टर सर में आने के लिए दिन रात मेहनत की और फाइनल एग्जाम जो एनुअल एग्जाम होते हैं उसके अंदर एक शानदार अंक के साथ, एक शानदार पोजीशन के साथ अपना नाम दर्ज करवाया लंच विद डायरेक्टर सर में। लंच विद डायरेक्टर सर आरएससी स्कूल के एक अनोखी स्कीम है, जिसमें यूटी फर्स्ट सेकंड थर्ड हाफ ईयरली फाइनल एग्जाम में जो बच्चा टॉप आता है उस बच्चे को अलवर के अलग अलग होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में उनका मन पसंदीदा भोजन करवाया जाता है, वहां से लाइव किया जाता है और इंटरव्यू शूट किया जाता है पेरेंट्स के नाम, अभिभावकों के नाम, बच्चों के नाम, शिक्षकों के नाम। और आरएससी संस्थान अपने बच्चों की प्रतिभा को, उनके मेहनत को पुरस्कृत करने के लिए, मंच देने के लिए ऐसे स्कीम्स हमेशा से लाता आया है। पहले डिनर विद डायरेक्टर सर, चांदी का सिक्का योजना, लंच विद डायरेक्टर सर, कॉफी विद डायरेक्टर सर, ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जो समय समय पर आरएससी संचालित करता आ रहा है। तो आज हम देर नहीं करते, मिलाते हैं हमारी प्यारी बिटिया से जो लंच विद डायरेक्टर सर 5.0 में आज हमारे साथ लंच पर आई है। तो सबसे पहले बिटिया, आपका नेम? माय नेम इज परिनायक। ठीक है, अपने परिनायक, अपने पिताजी का नेम? माय फादर नेम इज मिस्टर गोपाल नायक। मिस्टर गोपाल नायक जी, एंड योर मदर नेम? माय मदर नेम इज मिसेस गीता नायक। मिसेस गीता नायक जी, सबसे पहले गीता नायक जी, गोपाल नायक जी, आपको आपकी प्रतिभावान बिटिया के लिए जोरदार बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं, तालियां। बिटिया, आप इस संस्थान में किस कक्षा में प्रवेश लिया आपने? थर्ड क्लास। क्लास थर्ड में, तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, और अभी समय आप कौन सी क्लास में है? सेवेंथ क्लास के अंदर है। तो बिटिया, आपको इन 5 वर्ष के अंदर लगभग कैसा लगा आरएससी परिवार का सदस्य बनकर? बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा आपको आरएससी का, जो हमारे विद्यार्थियों को और जो नए हमारे यूट्यूब के जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे आरएससी परिवार के सदस्य हैं, उन्हें भी पता लगे आरएससी क्या है, बताएं। जब हम शुरुआत में स्कूल आए थे तो हमारे वहाँ के बच्चे बोलते थे बहुत छोटा सा स्कूल है, पर हमने बोला था अभी हम देखते हैं आगे पढ़ के। तो जब हम पढ़ने लगे धीरे धीरे तो सर ने बहुत अच्छी स्कीम लॉन्च करी सारी, और टीचर्स भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी से बिहेव करते हैं हमारे सर। वेरी गुड। और अच्छा, और हमारे प्रिंसिपल सर भी बहुत अच्छे हैं। देखिए, बच्ची ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली कि जब हम किसी नए कार्य को प्रारंभ करते हैं, कुछ नई जगह जाते हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारा उत्साह को डाउन करने का प्रयास करते हैं। आपकी जिंदगी में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपको दबाने का प्रयास करते हैं। आप चिंता नहीं करें, अपने मन की सुने। इस बच्ची ने, इनके पेरेंट्स ने जिस प्रकार से आरएससी में दाखिला लेकर के अपनी मन की सुनी, किसी और की ना सुनी। सबसे अच्छी चीज, एक शब्द बोला कि आरएससी एक बहुत छोटा सा स्कूल है, ऐसा कहा गया। भांति भांति के उल्हाने दिए गए, ताने दिए गए, कुछ नहीं कर सकते, वहां के टीचर्स अच्छे नहीं है, सिस्टम अच्छा नहीं है, कोई मान्यता नहीं है। उन सभी बातों को दर निकार करते हुए, गलत साबित करते हुए आरएससी एक प्रचंड रूप में आप सभी के सामने प्रस्तुत है। आरएससी का सबसे पहला सिस्टम है डिसिप्लिन। आरएससी का दूसरा मुख्य है कि प्रतिभावान शिक्षक। आरएससी का तीसरा है हर बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना, और चौथे नंबर पर आरएससी संस्कार से सफलता तक का मार्ग सुनिश्चित करती है। स्थान छोटा हो या बड़ा हो यह मायने नहीं रखता, स्थान कितना ज्यादा बच्चे के लिए समर्पित है यह बात मायने रखती है। और आरएससी एक छोटे से स्कूल से एक बड़े वटवृक्ष के रूप में बदलने की तरफ चल पड़ी है, और वह दिन दूर नहीं जब आरएससी अलवर के हर एक बच्चे बच्चे की जुबां पर छाई रहेगी। और इसके लिए हम संकल्पित है, दृढ़ संकल्पित है, आत्मसंकल्पित है, और उन नौनिहालों के सपनों को साकार करने के लिए जो उनके माता पिता ने हमें सौंपते समय, हमारे हाथों में इनकी बागडोर सौंपते समय देखे थे। तो सब आपको स्कूल अच्छी लगी, सब कुछ अच्छा लगा, ऐसी कोई एक बात जो सबसे ज्यादा आपको स्कूल में सबसे ज्यादा दिल के आपके करीब हो,
जो आपको मन करता है कि आरएससी वाकई में दुनिया से अलग है और बच्चों से अन्य संस्थानों से बिल्कुल अलग है। यस सर, स्कूल में ना लोकल लैंग्वेज यूज होती है, बिल्कुल भी कुछ भी यूज नहीं होता, ना टीचर भी बहुत अच्छी तरीके से बोलते हैं। सबसे अच्छी स्पोकन की क्लास इंग्लिश स्पोकन क्लास चल रही है। वेरी गुड, सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि मैंने ये सिस्टम अपडेट किया था कि तू से नाता तोड़ो आपसे नाता जोड़ो, कैंपेन चलाया था हैशटैग तू से नाता जोड़ो आपसे नाता जोड़ो, यानी कि तू तड़ाक की लैंग्वेज को करो बाय बाय और एक संस्कारित और एक सभ्य लैंग्वेज को करो एक्सेप्ट, स्वागत कीजिए। तो आरएससी संस्थान में यह ध्यान दिया जाता है, हर बच्चा किसी भी सोसाइटी से किसी भी जगह से आया हो उसे सभ्य नागरिक बनाने का हमारा कर्तव्य है, और हम तू तड़ाक की लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज के प्रति बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं, बिल्कुल सहन नहीं करते। संस्कार आरएससी की मूल मंत्र है और आरएससी स्कूल का सपना रहा है कि मेरे स्कूल का हर गरीब प्रतिभावान बच्चा भी इंग्लिश में बातें करे और एक बड़े स्टैंडर्ड स्कूल की भांति वार्तालाप करे। इसके लिए आरएससी में लगातार विगत 4 महीनों से इंग्लिश स्पोकन क्लासेस कंटिन्यूअसली चल रही है और बिटिया उसका सदस्य है। आपको कैसा लगा उस इंग्लिश क्लासेस में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। तो वाकई में आरएससी का सपना हर बच्चा हो बेस्ट अपना, इसी भाव के साथ आज के इस इंटरव्यू को यही समाप्त करते हैं। आगे कड़ी के अंदर आपको पुनः मुखातिब कराएंगे अगली सीरीज में लंच विद डायरेक्टर सर के अंदर और नए बच्चे के साथ, नए उस्ताद के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। महेश सैनी को धन्यवाद।